छात्रों, आज हम कक्षा नौवीं विज्ञान विषय में अध्याय 7 जीवों में विविधता इसका अध्ययन करेंगे। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इतने प्रकार के जीव पाए जाते हैं कि हम मनुष्य मनुष्य में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो ये इतने सारे जीवन विभिन्न रूप हैं जीवों के कि हम इनका अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक वर्गीकरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि मनुष्य, आप अपने मित्र से तुलना कीजिए तो आप देखेंगे उसका शरीर का रंग, उसका आकार, नाक का आकार सब थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। यदि हम इसके बाद मान लो हम तुलना करते हैं, अपनी बंदर से तुलना करें, तो हमें लगेगा नहीं, हमारा मित्र हमसे ज्यादा समानता रखता है, बंदर में थोड़ी हमसे अलग असमानता है। चलो इसके बाद हम तुलना गाय से करें अपनी, तो हम देखेंगे कि हमारी रचना गाय की अपेक्षा बंदर से ज्यादा समानता रखती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जीवों में विभिन्नता जो पाई जाती है उसका हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो इस प्रकार विभिन्नता, जैसे आप देखते हो एक व्हेल मछली, एक व्हेल मछली के बारे में पढ़ सकते हो, एक आप चिड़िया के बारे में पढ़ सकते हो। आ गया समझ में? तो इस प्रकार वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने पहला वर्गीकरण अपने आवास के आधार पर किया। आवास मतलब रहने का स्थान। रहने का स्थान किया। आपने देखा ना कि व्हेल कहाँ रहती है, मान लो जलीय, जलीय मतलब जो जल में रहते हैं। व्हेल मछली मान लो एक स्टार फिश है, वो भी कहाँ रहती है, जल में रहती है। आप एक देख सकते हो ऑक्टोपस, ये भी कहाँ रहती है, रहता है जल में रहता है। ये तीनों जलीय प्राणी हैं। व्हेल मछली है ये, लेकिन हम इनको आवास के आधार पर माने तो ये जल में रहते हैं, लेकिन यदि इनकी शारीरिक संरचना देखें तो वो आपस में नहीं मिलती है। तो इस प्रकार हम आवास के आधार पर वर्गीकरण सभी जीवों के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर कोशिका संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया, और जो वर्तमान में प्रचलित है वो कोशिका संरचना के आधार पर ही है। किसी की कोशिका संरचना सरल है, किसी की जटिल है। आपने कोशिका के बारे में पढ़ चुके हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जिसमें कोशिका के सभी अंग अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हो जीवाणु, विषाणु, इन सब की विकसित नहीं
होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका के सभी अंग अच्छी तरह विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हम कोशिका की संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का विभाजन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जैव विकास कैसे, जीवों का विकास हुआ कैसे, सरल जीवों से। जैव विकास मतलब जीवों का जीवों का क्रमिक विकास, किस प्रकार सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ, क्रमशः विकास हुआ। हम देखते हैं कि इस प्रकार डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ये जैव विकास के बारे में बताया कि सरल रचना वाले जीवों से जटिल रचना वाले जीवों का निर्माण हुआ। तो ये वर्गीकरण में जैव विकास का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब वेहटकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्गीकरण किया और वो भी कोशिका की संरचना के आधार पर। तो उसने पांच जगत में बांटा। पहला जगत है मोनोरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनी मेलिया। ये क्रम से हैं। जो मोनोरा जगत है वो सरल, उससे फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई और फिर प्लांटी। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं कि कोशिका के ये जो मोनोरा जगत है और ये प्रोटिस्टा जगत है, ये दोनों हैं एक कोशिकीय जीव। ये एक कोशिकीय हैं। इसके बाद फंजाई से लेकर ये पूरा रहता है बहुकोशिकीय। आप देखेंगे कि जीवधारी को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आते हैं जो कि मोनोरा जगत आएगा, जिसमें मोनोरा जगत इसमें आएगा। तो एक हो गया मोनोरा जगत और ये भी कैसा है, एक कोशिकीय। ये एक कोशिकीय है। अब जो यूकैरियोटिक हैं, जिनमें सारे अंग अच्छी तरह से विकसित होते हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। तो एक कोशिकी में आएगा प्रोटिस्टा, ये पहला जगत हो गया, दूसरा जगत हो गया प्रोटिस्टा। अब जो बहुकोशिकी है उसमें हम तीन जगत बांट सकते हैं, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। आपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में पढ़ा है। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है और कोशिका भित्ति रहित मतलब कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो हमारा तीसरा जगत हो जाता है
फंजाई जगत। फंजाई जगत में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। चौथा जगत है प्लांटी जगत, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पांचवा हमारा जो जगत है वो है एनिमेलिया, उसमें सभी जंतु आते हैं। तो इस प्रकार वेहटकर नामक वैज्ञानिक ने पांच जगत वर्गीकरण किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी जगत और पांचवा एनिमेलिया। अब हम एक-एक जगत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप देखते हो पहला जगत क्या है, मोनोरा। मोनोरा जगत, तो इसमें जितने भी जीव रहेंगे वो सभी कैसे रहेंगे, एक कोशिकीय। इसमें कुछ एक कोशिकीय जीव स्वयंपोषी भी होते हैं और कुछ विषमपोषी भी होते हैं, मतलब स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो स्वपोषी में एक इसका एक उदाहरण है नीली हरित शैवाल। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और विषमपोषी में कुछ जीवाणु होते हैं, सभी जीवाणु तो नहीं, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पोषण के आधार पर इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। आपको स्वपोषी की परिभाषा लिखना है और विषमपोषी की। ये आप देखिए मोनोरा जगत के एक, यह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। इनका देख रहे हो ना आप, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं है, सारे अंग अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए। एक और इसका उदाहरण है एना बिना, ये इस प्रकार समूह में पाए जाते हैं, लेकिन शरीर एक कोशिकीय रहता है। अब इसके बाद मोनोरा जगत के बाद हम अध्ययन करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। ये है यूकैरियोटिक, मतलब इनकी मतलब है कोशिका में सभी अंग अच्छी तरह से विकसित होते हैं। आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का अर्थ अच्छे से समझना होगा। इनमें भी स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं।
इसमें कुछ जीवों में चलन के लिए कुछ जीवों में सीलिया या फ्लैजिला फ्लैजिला पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीवों जैसे अमीबा बहुत अच्छा उदाहरण है। ये अमीबा एक कोशिकीय है और इसमें ये कूट पादाप बनाता है चलने के लिए। इसका आकार अनिश्चित होता है, कभी इसका आकार ऐसे गोल भी हो जाता है, कभी इसका आकार ये जिस दिशा में जाता है उस ओर झूठ कूटपाद मतलब झूठे पैर बनाता है। एक दूसरा है युगलीना, ये भी एक कोशिकीय है। इसमें चलन के लिए आप देख रहे हो ना एक चाबुक जैसी रचना फ्लैजिला पाया जाता है और अंदर सारे कोशिकांग अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इसका एक उदाहरण है पैरामीशियम, जिसका आकार स्लीपर के समान होता है। इसमें भी केंद्रा को सारे अंग पाए जाते हैं और चलने के लिए आप देख रहे हो ना ये पूरे शरीर में पतले पतले बाल जैसे सीलिया पाए जाते हैं। ये इनकी मदद से वो पैरामीशियम एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। तीसरा जगत है वो है फंजाई जगत। पहला आपने पढ़ा मोनेरा जो कि प्रोकैरियोटिक जीव थे, दूसरा आपने पढ़ा प्रोटिस्टा जगत जिसमें यूकैरियोटिक जीव हैं, तीसरा है फंजाई जगत। तो ये भी यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मतलब कि सभी अंग अच्छी तरह से पाए जाते हैं और ये विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। कभी कभी तो ये मृत जीवों से, आपने देखा है कि जब कोई चीज सड़ती है तो आप मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर का फफूंद लग जाती है, तो वो फफूंद ही वास्तव में फंजाई जगत में आने वाले जीव हैं। तो ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, इसलिए हम इनको मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी भी होते हैं, मतलब शरीर के अंदर चले जाते हैं और जीव द्रव्य हमारी कोशिका का जो जीव द्रव्य है उससे पूरा भोजन लेते हैं। इनके जो शरीर इनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एक काइटन नाम का पदार्थ पाया जाता है। काइटन एक प्रकार की शर्करा है, जटिल शर्करा है। इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी रहती है? काइटन से बनी रहती है। इसके कुछ उदाहरण हैं ईस्ट, ईस्ट को हम खमीर भी बोल सकते हैं। और ये आपने अपने दैनिक जीवन में भोजन में ईस्ट जब आप इडली डोसा बनाते हैं तो हम बोलते हैं खमीर उठाना है। तो वास्तव में इन ईस्ट नामक फंजाई जगत के जीव की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। और उसके बाद एक और है पेनिसिलियम और एगेरिकस, इसको हम मशरूम भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी सड़ी गली लकड़ी पर एक छाते जैसी रचना उत्पन्न हो जाती है फफूंद, तो ये मशरूम है। इसके बड़ा रूप में लोग उसको भोजन के रूप में भी उपयोग करने लगे हैं। तो इस प्रकार तीसरा जगत हो गया फंजाई और ये बहुकोशिकीय है। ये फंजाई जगत में ये क्या है? विषमपोषी हैं, यूकैरियोटिक हैं व ये बहु कोशिकीय है। तो पांच जगत हैं, हमने आज तीन जगत के बारे में पढ़ लिया। चौथा है प्लांटी जगत जो कि बहुत बड़ा है, और पांचवा एनिमेलिया। अब जो लाइकेन है, ये लाइकेन क्या है कि कुछ नीली हरित शैवाल और ये फंजाई जगत की कुछ जातियां होती हैं। नीली हरित शैवाल जो कि आपने मोनोरा जगत में देखा था,
इसको हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और फंजाई जगत की कुछ जातियां, फंजाई जगत की कुछ जातियां साथ रहती हैं, साथ रहकर एक स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं। तो इस अंतर संबंध को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। ये कभी कभी पेड़ की छालों पर धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। और ये लाइकेन एक सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता मतलब दो विभिन्न जातियों के जीव एक साथ रहते हैं और जिससे दोनों को फायदा होता है। तो इस प्रकार साथ रहने को क्या बोलते हैं? सहजीविता। अब ये इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जगत के आपको लक्षण लिखना है, फंजाई और मोनोरा, और स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। धन्यवाद।